गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप सर, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ा, और हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए, पुनः जो है कमीशन में एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विभिन्न तरीके से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने आपको कल बताया था कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो रबी की, खरीफ की, जायद की, यानी मौसम के आधार पर, ठीक। फिर उसके बाद हमने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया, जो वर्ल्ड में हरित क्रांति है वो कब आई और कौन लेके आया। तो वर्ल्ड में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जा रहा है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जा रहा है। भारत में खाद्य पदार्थों की समस्या को हल करने के लिए एम एस स्वामीनाथन ने अग्रणीय कार्य किया, और एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा गया। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के रेवोल्यूशन की बात की थी, जिनका संबंध विभिन्न क्षेत्रों से था। तो हमने हरित क्रांति की बात की, गेहूं से संबंधित था। श्वेत क्रांति की बात की, दुग्ध से संबंधित था। फिर उसके बाद नीली क्रांति की बात की, मत्स्य से संबंधित था। गुलाबी क्रांति की बात की, झींगा मछली से संबंधित था। डिफरेंट टाइप्स के रेवोल्यूशन की बात की, ठीक है। फिर आज हम दो चीज़ों को देखने वाले हैं, उसमें हमने आपको पहले लिख दिया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो खेतियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आप ध्यान रखिएगा। कभी मैचिंग टाइप्स में पूछेगा और कभी फैक्चुअल आपसे पूछेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कमीशन में यहाँ से जरूर पूछा जाता है, है ना। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो फसलें उनमें कौन सा रोग लगता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। तो पहले हम थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दें कि जो फसलें हैं विभिन्न प्रकार की वो कैसे उत्पादित की जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम एकल खेती की बात करते हैं, यानी कि एकल खेती क्या होती है, सिंगल जो है एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एकल खेती क्या है, सिंगल फार्मिंग क्या है। तो जब एक वर्ष में केवल एक ही फसल को उगाया जाता है तो उससे हम कहते हैं सिंगल खेती, यानी कि वो यानी कि एकल खेती होती है। जैसे आप देखिए, असम और पश्चिमी जो बंगाल है वहाँ पर चाय की जो खेती होती है वो सिंगल, यानी क्या है, खेती का उदाहरण है, यानी कि सिंगल फार्मिंग का उदाहरण है। फिर आप देखेंगे डॉल खेती क्या होती है, यानी कि ये जिसमें दो फसलें एक साथ में बोई जाए, यानी कि यहाँ पर डॉल खेती क्या होती है। तो जब एक ही वर्ष में यानी कि दो प्रकार के फसलों को बोया जा सके तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं डॉल खेती, यानी कि ये डॉल फार्मिंग है, यानी एक ही खेत में एक मौसम में एक से अधिक फसलों को हम पैदा कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखिए मिश्रित खेती क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। तो मिश्रित खेती की जब हम बात करेंगे तो मिश्रित खेती का अर्थ होता है कि जब एक ही फसल के साथ मुख्य फसल जो है और उस फसल के साथ अन्य फसल को साथ में रख करके, यानी कि साथ में बोया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है, जैसे आप रबी की फसल में देखिए, ज़्यादातर रबी की फसल में जब लोग जो है यानी कि मसूर को बुवाई करते हैं तो उसके साथ में अलसी भी बो देते हैं, या गेहूं की बुवाई करते हैं तो उसके साथ में सरसों को भी बो देते हैं। तो एक ही मुख्य फसल के साथ अन्य सहयोगी फसल को भी जब एक ही मौसम में एक ही खेत में उत्पादित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। फिर आप देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, यानी कि रोपण वाली जो खेती है वो क्या होती है। तो जब हम नगदी फसलों को उत्पादित करते हैं और नगदी फसलों को प्राप्त करने के लिए जब हम यानी कि क्या करते हैं, खेत में रोपाई करते हैं, तो वहाँ से हमें जो यानी कि खाद्यान्न मिलते हैं या जो फसलें प्राप्त होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप। जैसे चाय की खेती हो गई, रबड़ की खेती हो गई, जो आपके बागानी वाली हैं, नारियल की खेती हो गई, ये सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की खेतियां हैं। उसके बाद आप देखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है झूम की खेती क्या होती है। झूम,
तो ये आप देखिए, झूम का मतलब ये है जब लोग जो है जंगलों को या वनों को काट करके गड्ढे खोद करके वहाँ पर यानी कि कुछ समय तक खेती करते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ पर गड्ढे खोदते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे जगह चले जाते हैं। इससे वनों का भी विनाश होता चला जा रहा है, गड्ढे भी होते चले जा रहे हैं, और इस प्रकार की खेती पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर की जाती है। जैसे जो असम के पार्ट हैं, जो मेघालय के पार्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो पार्ट हैं, वहाँ तरफ जो है क्या है, ये झूम की खेती होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या करेंगे, यानी कि ध्यान रखेंगे। ठीक, तो फिर यानी कि यहाँ हम लोग चलते हैं। अब विभिन्न प्रकार की और भी फसलें होती हैं कि इसमें कौन सी खेती किया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए, एपिकल्चर, एपिकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। तो जब हम मधुमक्खी का यानी कि पाल करके शहद का उत्पादन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यानी कि जब हम खेती करते हैं तो उस खेती को कहा जाता है मधुमक्खी पालन। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे शहद के उत्पादन में भारत विश्व का लगातार अपना स्थान प्राप्त करता चला जा रहा है, सात में पोजीशन पर पहुंच गया, और इसी के लिए स्वीट रेवोल्यूशन आ गया, मीठी क्रांति। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागानी, यानी जहाँ पर बागानों की खेती किया जाए उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्ट यानी बागान के अंतर्गत प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि और आपके जो यानी कि फार्मिंग वाली फसलें हैं वो दोनों क्या किया जाता है, इन्वॉल्व कर ली जाती हैं, तो इसे बागवानी फसलें कहा जाता है। फिर देखेंगे आप फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के फूल हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रफलेशिया नामक एक जो है पुष्प है वो सबसे बड़ा है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। और भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो फल उत्पादित होते हैं उसमें महाराष्ट्र का सबसे अग्रणी स्थान है, जो अभी डाटा आया है। और सर्वाधिक फल जो है केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भारत विश्व में सर्वाधिक केले के उत्पादन करने वाला क्या है, अग्रणीय जो है देश। और सर्वाधिक जितने फल हैं उन फलों के उत्पादन में अकेला महाराष्ट्र जो है क्या कर रहा है, सर्वाधिक फलों का उत्पादन कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर का मतलब अंगूर की खेती, जहाँ पर अंगूर की खेती किया जाए वीटी कल्चर कहा जाता है। अंगूर के उत्पादन में भी भारत का द्वितीय स्थान है। फिर पीसी कल्चर की बात किया जाए, मत्स्य पालन, यहाँ पर जो एक्वा कल्चर है यानी कि ये मत्स्य पालन, जिसमें हम लोग मछली का अध्ययन करेंगे या मत्स्य का संबंधित जो अध्ययन किया जाएगा वो पीसी कल्चर के अंतर्गत आएगा। और भारत की अगर बात किया जाए तो मत्स्य के उत्पादन में भारत में सर्वाधिक जो आपके यानी पश्चिमी बंगाल है, महाराष्ट्र है, उन क्षेत्रों का क्या है, अग्रणीय स्थान है। अब यहाँ पर मत्स्य के क्षेत्र में हम आगे चल करके आपको और डिस्क्रिप्शन देंगे कि जो भारत में सबसे जो है जिस मछली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है निर्यात के लिए वो झींगा मछली है। ठीक है, और सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो मछली की प्रजाति जो है कौन सी है, कतला मछली है। सर्वाधिक स्वादिष्ट मछली की बात किया जाए तो वो रोहू मछली है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की। सर्वाधिक अगर नॉलेजमेंट की बात किया जाए तो वो कौन सी मछली है, डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन को सर्वाधिक जो है समझदार यानी कि क्या कहा जाता है, मछली की श्रेणी में जाना जाता है। फिर आगे आप देखिए ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में सब्जी का अध्ययन किया जाता है। फिर सब्जी के उत्पादन में बात किया जाए तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे पोजीशन पर है। फिर एरोपोनिक, एरोपोनिक का अध्ययन मतलब होता है यहाँ पर जब पौधों को हम हवा में उगाते हैं तो उस प्रणाली को हम कहते हैं एरोपोनिक। ठीक है, फिर उसके बाद सेरी कल्चर, सेरी कल्चर में रेशम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो रेशम का जब हम उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर रेशम के उत्पादन करने के लिए यानी कि जिस खेती का अध्ययन किया जा रहा है वहाँ पर सेरीकल्चर होगा। तो ये विभिन्न प्रकार की खेतियाँ हैं और भी कई सारी हो सकती हैं। तो आप बायोलॉजी में जा करके उनकी डिफरेंट शाखाओं में देखेंगे तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन चीज़ों को डिनोट कर दिया। फिर आप देखिए विभिन्न प्रकार की जो फसलें थी हमने आपको बताया, रबी, खरीफ, जायद, उन फसलों में कुछ हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट नोट किया है जहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सा रोग किस फसल में लगता है। तो देखिए यहाँ पर धान में जो रोग लगेगा वो भूरा
धब्बा पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं, झुलसा रोग हो जाता है, खैरा रोग हो जाता है, झौका रोग हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खैरा और झौका और भूरा धब्बा। बाजरे की बात किया जाए तो बाजरे में भी यानी अर्गट रोग लग जाता है, हरित बाली रोग लग जाता है, ये एग्जाम में आ चुके हैं। मूंगफली की बात किया जाए तो मूंगफली में टिक्का रोग लग जाता है, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूंगफली में टिक्का रोग। तिल की बात किया जाए तो तिल में फाइलोडी रोग लग जाता है, ठीक है। फिर अरहर की बात किया जाए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अरहर में उकठा रोग लग जाता है और बंजा रोग लग जाता है, ठीक है, ये इधर नहीं है, ये खेतियों के टाइप्स है। फिर इसके बाद आप देखिए गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं में गेरुई या रतुआ रोग लगता है, अनावृत या कंदुआ रोग लगता है, शेहू रोग लगता है, तो ये गेरुई या रतुआ रोग इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ जाता है। फिर मटर मसूर या चने की बात किया जाए तो इसमें भी ये उकठा रोग लगता है और उकठा रोग अरहर में भी लगता है, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों कॉमन है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, बुकनी रोग लगता है, ये इम्पॉर्टेंट है, बुकनी और झुलसा रोग, ठीक है, तो झुलसा धान में भी लगता है, झुलसा चना मटर और मसूर में भी लगता है, तो यहाँ पर बुकनी आप याद रखिएगा। फिर आलू में देखिए, आलू में भी झुलसा रोग लग जाता है और आलू को अगर आप काटेंगे तो कभी कभी बीच में हरा निकलने लगता है, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है ऐसा, इसलिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आलू में हरा रंग किसके वजह से हो जाता है, हल्का सा काला धब्बा, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। गन्ने की बात कीजिए तो गन्ने में लाल सड़न रोग लग जाता है, आपने देखा होगा गन्ना जब आप यानी कि खाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि उसमें कभी कभी लाल टाइप्स के धब्बे निकल आते हैं जब आप उसको चूसते हैं, ठीक है। और ये अभी दीपावली का टाइम आ गया, इस सीजन पर आप लोग जो है गन्ने का यूज करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिर टमाटर, टमाटर जो है टमाटर में कौन सा रोग लग जाता है, पर्ण कुचर, यानी कि जो उसकी पत्तियाँ होती हैं सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है, तो ये पर्ण जो है कुचर जो है रोग लग जाता है टमाटर में। फिर आम में देखिएगा, आम में गुच्छा रोग लग जाता है और स्पंजी रोग लग जाता है और एकांतर रोग लग जाता है, ये तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, टमाटर वाला भी पूछा जा चुका है, गन्ने वाला भी आ चुका है, तो ये हमने इम्पॉर्टेंट लिखे हुए हैं। फिर केले की बात किया जाए, केले में पनामा नामक रोग लग जाता है, तो टमाटर की बात आगे करेंगे तो टमाटर के संदर्भ में आप देखेंगे इसका जो लाल रंग होता है लाइकोफिन के कारण होता है, तो अभी हम आपको डिफरेंट टाइप्स के जो फल हैं या डिफरेंट टाइप्स की जो सब्जियां हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कौन सा कलर किस वजह से होता है इसके बारे में भी बता देते हैं, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा, जिसमें जैसे गाजर में कैरोटीन के कारण होता है ना, उसी तरीके से आप देखेंगे टमाटर में लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। आम की अगर बात किया जाए तो फलों का राजा कहा जाता है, और भारत में अगर इसके वैज्ञानिक अध्ययन की बात किया जाए तो इसके वैज्ञानिक नाम को जो है मैंजीफेरा यानी कि कहा जाता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की यानी कि विभिन्न प्रकार की खेतियां हैं और ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इसे अध्ययन कर लीजिएगा, इसको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्त, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के अन्य चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।